ये जो टॉपिक है इसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज एंड जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी होती है तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन बहुत मैटर करता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो स्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बता सकते हैं कोई बच्चा ऐसा क्यों? फिजिक्स के हिसाब से अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ज़्यादा होगा, आपने देखा है ना, ज़्यादा खड़ा, अगर चढ़ाई ज़्यादा खड़ी है तो स्लाइडिंग कंडीशन ज़्यादा होगी। क्यों? मैथमेटिकली बताओ। फ्रिक्शन कम हो जाती है और अरे बच्चे फिजिक्स के हिसाब से इधर ठीक है। इधर देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पर फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है mg साइन थीटा जो नीचे ला रहा है, और फ्रिक्शन जो लग रहा है रोकने के लिए वो लग रहा है म्यू mg cos थीटा या म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअली क्या होता है, शाबाश शाबाश बच्चे, देखो जब थीटा अगर इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स mg साइन थीटा इंक्रीज होगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब थीटा बढ़ेगा तो उल्टा फ्रिक्शन घट जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जब थीटा बढ़ता है, देखो बच्चे मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे जब एंगल बढ़ता जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, जीरो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट रूट टू अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू वन, तो जीरो से वन की तरफ बढ़ रहा है। देखो साइन थीटा कैसे जाता है, जीरो से वन की तरफ जाता है, बढ़ रहा होता है, जबकि कॉस थीटा क्या हो रहा होता है, वन से जीरो हो रहा होता है। तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा, जैसे उसने बताया नैतिक ने कि फ्रिक्शन घट रहा है। खैर जो भी है, फ्रिक्शन को तो चलो हम बाद में बात करेंगे, बट ये तो बढ़ रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स बढ़ रहा है तो बॉडी की स्लाइडिंग कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। तो जैसे मान लो मैंने इसको मार्कर को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, अब इसका एंगल बढ़ा दूँ तो ये बहुत जल्दी इजिली स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, उसको गिराने के काम आएगा। बट एक्चुअली क्या है, अब हम बात करना चाहते हैं जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन। अब इस जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन का क्या मतलब होता है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि हमारी सारी कहानी यहाँ टिकी होती है कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो बॉडी नीचे आ जाएगी, अगर ये कम पड़ गया इससे तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। बट मान लो कभी एक ऐसा सिचुएशन हो कि ये बिल्कुल ठीक ठीक बराबर हो, अभी ठीक ठीक बराबर का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे हो, मतलब जस्ट बैलेंस कर रहे हो। जस्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई बिल्कुल एज टॉप एज पे है, मतलब एक दूसरे को जस्ट कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल बराबर इक्वल, जस्ट इक्वल, ठीक है। अब जस्ट इक्वल में क्या होता है, वो जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में होते हैं कि भाई ये इसको बैलेंस कर रहा है जस्ट। बट मान लो ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में था और मैंने ना इसका एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, देखो तो स्लाइड कर जाएगा, समझ में आया बच्चे? देख रहे हो बच्चे, देखो क्यों क्या कि जैसे अगर मैं जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में एंगल थोड़ा बढ़ा दिया तो स्लाइड क्यों कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने एंगल बढ़ाया तो ये बढ़ गया और ये घट गया, अब ये इक्वल बैलेंस नहीं हो पाए और वो गिर जाएगा। बट हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, मतलब जब जस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बच्चे जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन है हमारी, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में ये इसके बराबर हो जाता है। अब ये जैसे इसके बराबर है, एक्चुअली जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में जो एंगल होता है इंक्लाइन प्लेन का, ये थीटा होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या नाम दे दिया जाता है? एंगल ऑफ रिपोज, का एक अलग से नाम रखा जाता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये कंडीशन होती है जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन की, इसे ये क्या कंडीशन होती है, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन। देखो इसे एक्चुअली क्या है, मान लो मैंने आपको कहा कोई इंक्लाइन प्लेन है, उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज चलो मान लो 60 डिग्री। इसका क्या मतलब है बता सकते हो अच्छे? कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं बोलता हूँ इस पर मार्कर रखा हुआ है, इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है, इसका क्या मतलब होगा बताना? अगर वो एंगल मैंने इंक्लाइन प्लेन का 60 से कम कर दिया तो क्या होगा, और 60 कर दिया तो क्या होगा, 60 से बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर किसी केस में किसी इंक्लाइन प्लेन के लिए एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है तो 60 के केस में वो रुका रहेगा, 60 से ज्यादा होते ही वो नीचे आ जाएगा और 60 से कम में वो स्लाइड नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज किसी के इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज
से हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी सिचुएशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, या कम हुआ तो क्या होगा, देखते हम लोग। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि किसी सिचुएशन में बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी, उसमें ध्यान रखना। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज तो क्या होगा बोलो, स्लाइडिंग होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बच्चे, उल्टा। मतलब अगर जैसे मान लो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है तो स्लाइडिंग नहीं होगी बस, ठीक है। तो ये इक्वल में और हाँ कम में, इक्वल तो अच्छे हम ऐसे बताते ही है ना, इक्वल में और कम में नहीं होगी। बट ये इक्वल में तो हमने वैसे पहले ही बता दिया कि इक्वल में तो होती नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन वाला एंगल होता है, वो तो उसमें तो होना ही नहीं है। इधर देखो एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ठीक है ये हो गया हमारा। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया इधर देखो, तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, एफ अपॉन एन के बराबर। अभी अभी मैंने ना यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा था, यहाँ पर कुछ लिखा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आप देखो टेन फाई कितना आ रहा था, टेन फाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, एफ बाय एन। तो अगर हम उससे इससे इस इक्वेशन से उनको कंपेयर कर दें दोनों तीनों को आपस में, इन तीनों को कंपेयर कर दें आपस में, इन तीनों को कंपेयर कर दें, तो देखो म्यू इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर, इन तीनों को कंपेयर कर दें, तो टेन थीटा जो कि किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, और म्यू किसके बराबर है, एफ अपॉन एन के बराबर है, और एफ अपॉन किसके बराबर है, टेन फाई के बराबर है। तो ये आ जाता है, इसको देख यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो टेन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ये आया कि जो टेन थीटा है, मतलब टेन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू टेन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक रिलेशन है। इसमें देखो बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 1/√3 है। अगर हमसे पूछा गया है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 15 डिग्री होगा तो क्या ये बॉडी स्लाइड करेगी नहीं करेगी, या फिर 40 डिग्री होगा तो स्लाइड करेगी या नहीं करेगी, या 60 डिग्री होगा तो स्लाइड करेगी, कंडीशन पूछा हुआ है कि किस एंगल पे क्या कंडीशन में बॉडी रहेगी। इधर देखो बच्चे, तो देखो अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे होती है उसकी कंडीशन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो प्रॉपर वे है। प्रॉपर वे क्या होता है, प्रॉपर वे ये होता है कि उस पर दो फोर्स चेक करना, क्या क्या, mg sin थीटा और फ्रिक्शन। अब बट अगर ये तरीका अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और ये तरीका तब तब अपनाते हैं जब काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, जैसे एक्सेलरेशन वैक्सेलेशन भी पूछ ले, क्या पूछ ले, एक्सेलरेशन। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, एक ब्लॉक दिया था इंक्लाइन प्लेन पे और आपको पूछा था कि क्या एक्सेलरेशन होगा, स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। बट अगर हमसे सिर्फ एक्सेलरेशन वगैरह नहीं पूछ रहा है, सुन लो बच्चों मेरी बात, एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, तो हमारे पास तरीका होता है एंगल ऑफ रिपोज वाला। समझे नहीं समझे, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा होता, क्या पूछा होता, तो एंगल ऑफ रिपोज वगैरह मत लगाओ, पूरा ही लगाओ, क्या लगाओ, पूरा लास्ट क्लास वाला पूरा तरीका अपनाओ। बट अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं, इधर देखो अच्छे देवाशीष, इधर देखो, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, जस्ट सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे, तो ऐसी कंडीशन बहुत आसान सी है, फिर इसमें हम एंगल ऑफ रिपोज लगाएंगे। तो हमने आपको बताया था जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में क्या होता है, जो ये थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज होता है, और एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। टेन थीटा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया, 1/√3, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो हमें एंगल ऑफ रिपोज जो मिला वो मिला 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है
कि एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, कहने का मतलब ये है जब ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 या उससे कम रहेगा, क्या रहेगा 30 या उससे कम, इफ थीटा इज इक्वल टू और लेस देन 30 बॉडी क्या रहेगी चेस्ट पे रहेगी, और इफ थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री बॉडी क्या करेगी स्लाइड करेगी। तो ये कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये बता सकता है कि स्लाइड करेगी या नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पाएगा। एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्लास का पूरा एबीडी बनाना पड़ेगा, इस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, नेट फोर्स निकाल के पूरा जितना फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखो अच्छे आगे देखते हैं, तो 30 डिग्री से कौन कौन सा एंगल छोटा है, ये छोटा है और ये दोनों क्या है बड़े हैं, तो इन दोनों कंडीशन में बॉडी क्या करेगी स्लाइड करेगी। आप लोग इसे अपने वे में एक्सप्रेस कर सकते हो थोड़ा सा थ्योरी लिख के, पर इसमें बॉडी क्या रहेगी रेस्ट पे रहेगी। तो ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एंगल ऑफ रिपोज से एसोसिएटेड है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम।